बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि अहले बैत को जहन्नम की आग न छुएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जिन लोगों ने हुदैबिया के मकाम पर दरख्त के नीचे बैत की, इनमें से कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा। जामिया तिरमिज़ी में है। सैयदना उस्मान का बदला लेने के लिए कीकर के दरख्त के नीचे 6 हिजरी में ये बैत हुई। इसमें 1300 सहाबा ने शिरकत करके जन्नत की बिशारत पाई। क्या मकाम है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, कि उनके लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद 1300 बंदों से बैत ली कि हम उस्मान का बदला लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का यह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो से प्यार था। तो आज उन दोस्तों को यह हदीस सुनने के बाद ये समझना चाहिए कि आपके पास जो गलत बातें पहुंचती हैं या सहाबाए कराम के खिलाफ जो बातें पहुंचाई जाती हैं वो सरासर झूठ और गलत हैं। उन पर ध्यान मत दिया करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन सहाबा को खुद तालीम दी। आप इनके खुद उस्ताद हैं और ये आपके शागिर्द हैं। अब आप खुद सोचें, जब उस्ताद इतना आला होगा, जब उस्ताद इतने प्यार से इस्लाम की तालीम देगा और एक-एक बात अल्लाह के हुक्म से अपने शागिर्दों तक पहुंचाएगा, तो फिर आज की दुनिया में अगर कोई आकर उन पर गलत इल्ज़ामात लगाए या गलत बातें करे, तो फिर सीधी सी बात है कि वही शख्स झूठा है जो आज के दौर में सहाबाए कराम के साथ बुग्ज़ रखता है और उन पर गलत इल्ज़ाम लगाता है। मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि अहले बैत और सहाबाए कराम दोनों से इश्क करें, तब ही हम दुनिया और आखरत में कामयाब हो सकते हैं। अगर किसी एक से भी हमने बुग्ज़ रखा तो हम कामयाब नहीं होंगे। इस वीडियो को आगे आपने ज़रूर आगे शेयर करना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।